अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज मास्टर स्टिचिंग कोर्स में। आज मैं आपको बताऊंगी ओपन शर्ट का मेथड। ओपन शर्ट जिसको आप कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ओपन शर्ट जो असली है वो कैसी होती है मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने बेसिक प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी वो मास्टर कोर्स से पहले बेसिक सिलाई कोर्स को देखें जाके, ताकि उनको आसानी हो सके। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में काफ़ी सारी शर्ट्स की इकसाम बताई थी और शलवारों की भी, तो अब उन पे आहिस्ता आहिस्ता वर्क स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने लगी हूँ ओपन शर्ट की कटिंग। ये शर्ट की बैक है और ये फ्रंट है। अब आप जब सिंपल कटिंग करते हैं, किसी भी शर्ट की कटिंग करते हैं, तो आपके ये जो बंद वाले हिस्से होते हैं ये दोनों हिस्से आप अपनी तरफ रख कर यहाँ से करते हैं कटिंग। ओपन शर्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपने एक पल्ला उठाना है, ऊपर वाला जो फ्रंट का होगा आपकी शर्ट का जो फ्रंट है उसको उठाना है आपने, और जो उसके ये हिस्से हैं ना ओपन, आपने उसको करना है इस तरफ, अपनी तरफ कर लेना है उनको। और अच्छी तरह इस्त्री को गर्म करने के बाद 2 इंच आप इसको फोल्ड करें कपड़े को। ये मैं फ्रंट की बात बता रही हूँ, बैक को मैं साइड पे करती हूँ, शायद फिर आपको अच्छे से मजीद समझ आ सके। बैक मैंने साइड पे कर दिए, जो फ्रंट है ना उसको मैं रखती हूँ ताकि आपको सही अच्छे से समझ आ सके। ये 2 इंच का मैं यहाँ से ये कपड़ा कर रही हूँ फोल्ड, ये 2 इंच। इस्त्री को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फुल इसको ऊपर तक 2-2 इंच का मैं फोल्ड कर दी हूँ। ये आप देखें कुछ इस तरह से, ये हो गया 2 इंच की फोल्डिंग। बैक को आप वापस सीधा रख लें, मतलब इसको नीचे रखें, और जो हमने फ्रंट अपनी तैयार की है उसको रख लें ऊपर। ये देखें जी, आपने ये हमारी जो फ्रंट है ओपन शर्ट को सिलाई करने से पहले या कटिंग करने से पहले इसका 2-2 इंच कपड़े को आपने फोल्ड करना है और इस्त्री कर लेना है। अब उसके बाद हमने करनी है बाकी की कटिंग। जैसे नॉर्मल आपने कटिंग करते हैं शर्ट की, आपने उसी तरह से इसकी शर्ट की कटिंग करनी है। तीरा है 15 इंच, 8.5 इंच निशान ले रही हूँ कंधे का, आर्म होल का। 20 इंच है इसकी चेस्ट, 6.5 इंच पर हमने रखनी है फिटिंग, 18 इंच। हिप लाइन रख रही हूँ 14 इंच, 13.5 इंच तैयार आ जाएगा। और यहाँ से 21 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 20 इंच हमने रखी है चेस्ट और 1 इंच बढ़ा के हिप लाइन रखी है। अच्छा, ऐसे जो ओपन शर्ट होती है ना, मतलब ये ओपन शर्ट जब बनती है बहुत खूबसूरत लगती है, और इस तरह की ओपन शर्ट की जो कटिंग में आपको जो घेर है वो अगर आप थोड़ा सा ए लाइन में रखेंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। घेर में इसका 24 इंच रख देती हूँ ताकि कोने भी ना इसके बने, बिल्कुल भी ज़्यादा कोने भी ना हो। अगर 21 इंच है तो 13 इंच पे चले मैं रख लेती हूँ, 26 इंच इसका घेर रख लेते हैं हम। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे ये अब एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते वक्त निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका भी जब एक्सपीरियंस गेन होगा, जब आप भी कर लेंगी, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपको भी कोई इशू नहीं होगा, दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये एक्स्ट्रा कपड़ा इक्वली ले जाएंगे। अब मैं दूसरी तरफ भी निशान ले लेती हूँ इसके। शर्ट हमारी कट हो चुकी है नीचे से, अब आपकी चॉइस है आप कितना लंबा इसका कट रखना चाहते हैं। वैसे 10-11 इंच का कट इसमें इनफ होता है। जब आप नीचे से भी इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे आप निशान लगा लें जितना आपने कट रखना है। अब यहाँ से कर लेते हैं हम इसकी फ्रंट कटिंग।
फ्रंट कटिंग होगी, शर्ट हमारी कटिंग हो चुकी है और उसके बाद जो स्लीव्स हैं वो नॉर्मल, जो सिंपल स्लीव कटिंग मैंने आपको बताई हुई है वही है। वैसे तो जो को ये होती है ओपन शर्ट होती है इस तरह की, उसके साथ कोट कॉलर यूज़ होता है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो जब हम उसकी एक अलग से कोट कॉलर की प्रैक्टिस करेंगे फिर आप कोट कॉलर भी बना लीजिएगा। अभी सिंपल गोल गला मैं आपको इस पर बनाना बता दूँगी कि वो आपने किस तरह से बनाना है। ये जैसे मैं खोल के आपको बताती हूँ, यहाँ से हमारा इतना हो जाएगा कट। हमने इसी को फोल्ड करना है बुकरम लगा के, इसको भी आपने ऐसे फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ, क्योंकि जो बटनों वाली पट्टी होती है वो छोटी होती है और ये पट्टी आएगी ऊपर, आप काज वाली पट्टी को बड़ा रखें ताकि ऊपर आएंगे काज, नीचे लगेंगे बटन्स, गोल गला बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी स्टिचिंग। अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।